सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी कि फर्स्ट 22 टर्म का सम आपको बताना है जिसमें डी 7 दे रखा है और 22nd टर्म जो है यानी कि जो इस सीरीज की लास्ट टर्म जो कि आपकी 149 है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है इसके अंदर। फर्स्ट 22 टर्म्स का बताना है जिसमें डी आपका 7 दे रखा है, सम बताना आपने किसका, S22 आपको फाइंड आउट करना है। डी दे रखा है आपका 7 दे रखा है और क्या दे रखा है आपका 22nd टर्म 149, यानी कि S22 कितना दे रखा है आपका 149 दे रखा है। तो पहले तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं SN क्या होता है आपका, SN नहीं ये आपका 22nd टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है आपकी 22nd टर्म, यानी कि A22 दे रखी है आपकी 149। ये तो अपने को फाइंड आउट करना था ना। तो A22 किसके इक्वल होगा आपका, A+21D इज इक्वल टू 149। ए कितना गिवन आपको, ए हमें नहीं पता, प्लस 21D, डी अपना कितना है 7 इज इक्वल टू 149। ए प्लस 21 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 147 इज इक्वल टू 149 एंड ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147 ए इज इक्वल टू 2। ए का आपको पता चल गया किसके इक्वल आपका, ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 है, ए इज इक्वल टू 2। अब सम बताना आपको, अपने को तो ये बताना था ना S22। तो इसके लिए फॉर्मूला, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता होता है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, N/2 इंटू A+L, ये फॉर्मूला होता है। N आपका कितना है 22 टर्म का सम बताना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/2 A हमने अभी निकाली, कितनी निकाली 2 निकाली है, और लास्ट टर्म आपकी क्या थी 149 थी। तो S22 इसको काटेंगे 11 पे कट जाएगा, 11 इंटू 2 और 149 का सम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 151, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन आपकी हो जाएगी 1661। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7।